मॉर्निंग 8th क्लास. दिस इज फोर्थ वीडियो ऑफ योर मैथमेटिक्स. ठीक है, थर्ड तक हम लोग अपनी वीडियो में अभी तक बेसिक चीजें कवर कर चुके हैं. इस वाली वीडियो में हम लोग थर्ड क्वेश्चन से करेंगे. थर्ड क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द वैल्यू एंड एक्सप्रेस एज रैशनल नंबर. यानी आपको क्या करना है, इसमें वैल्यू फाइंड करनी है और रैशनल नंबर में इसका सोल्यूशन करना है. रैशनल नंबर मतलब जिसमें आपको इसमें बेसिकली सबसे पहले तो माइनस हटाना है और उसके बाद इसको सॉल्व भी करना है. ठीक है, तो कैसे करेंगे थर्ड क्वेश्चन में, देखो थर्ड क्वेश्चन में बेसिकली हम यहां पर थर्ड क्वेश्चन उतारेंगे. ठीक है, ए पार्ट में यहां पर आपको नोट डाउन कर देती हूँ. -5/9 (-2). सबसे पहले -2 है. -2 यानी सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे. कैसे होगा, यानी 9/5 -5 हो जाएगा. ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, देखिए एरो लगाएंगे साथ साथ पहली बात तो, और फिर रेसिप्रोकल हो गया, पावर 2 है, यानी 9 × 9 और -5 × -5. माइनस से माइनस कट गया, 9 × 9 = 81, 5 × 5 = 25. यहां पर लिखिए आंसर और यहां पर ये आपका सॉल्व हो गया. ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. देखिए इसमें मैंने आपको कॉपी बुक मार्क कर दिए. फिफ्थ क्वेश्चन सेम है सेकंड वाले की तरह, फिफ्थ वाले आप खुद करेंगे कॉपी में, थर्ड वाला भी आप कॉपी में करेंगे. ठीक है, अब आते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन पे. फोर्थ क्वेश्चन का क्या करना है, अब देखो फोर्थ के फर्स्ट क्वेश्चन में आपको मल्टीप्लाई का साइन नहीं दे रखा है, यहाँ पर प्लस का साइन दिया हुआ है. अब प्लस का साइन हो तो कैसे करें हम क्वेश्चन को. ठीक है, देखिए फोर्थ का फर्स्ट पार्ट में क्या है, आपको प्लस का साइन दिया हुआ है, यानी 3/5 (0) + 3/5 (-2). जब भी मैंने आपको बताया था किसी की भी पावर जीरो होती है तो क्या होता है 1, प्लस यहां पर 3/5 है माइनस में है, तो प्लस कैसे करेंगे, 5/3 (2). अब क्या करोगे आप, इसको सॉल्व करोगे, यानी 1 + 5 × 5 हो गया ऊपर तो, और नीचे 3 × 3 हो गया. ठीक है, यानी 5 × 5 = 25, 3 × 3 = 9. अब आप नॉर्मल जैसे एलसीएम वाले क्वेश्चन करते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 हम अज्यूम कर लेंगे और आप इसको ऐड करेंगे एलसीएम लेके. ठीक है, फर्स्ट पार्ट समझ में आया. अब आते हैं सेकेंड पार्ट में. सेकेंड पार्ट में क्या है, मल्टीप्लाई है. सेकेंड पार्ट में क्या है, मल्टीप्लाई. तो पावर जीरो है तो ये भी 1 हो जाएगा. ठीक है, बी पार्ट में क्या है, पावर जीरो है, 5/-5/6 क्या है, 0, और मल्टीप्लाई में -4/5 क्या है, -2. 0 है तो ये हो जाएगा 1. मल्टीप्लाई माइनस को आप रेसिप्रोकल करोगे और नॉर्मल सॉल्व करोगे, इसके आगे मैं आपको सॉल्व नहीं कराऊंगी, ये आप खुद करेंगे. अब आते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन पे. एक्सप्रेस एज अ पावर ऑफ रैशनल नंबर विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट. यानी आपको पावर बतानी है पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स की. यानी पहले आप क्या करेंगे, बेस सेम है तो पावर, यानी सेम ऐसे क्वेश्चन है ये जो मैंने आपको एक्स्ट्रा में यहां पर करवाए थे, ये क्वेश्चन नंबर 2 की तरह. ठीक है, पहले आप इसको सॉल्व करेंगे, जैसे माइनस है और पावर में आंसर आना चाहिए, मगर प्लस पावर में, पॉजिटिव मतलब पावर में प्लस होना चाहिए या फिर माइनस का साइन हट जाना चाहिए. तो 7/8 है, इसमें माइनस की पावर है, क्या करेंगे, नॉर्मल रेसिप्रोकल. इसमें देखो पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे पावर को, जैसे हमने वहां एक क्वेश्चन में किया था वैसे यहां करेंगे. ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे -3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो पावर क्या आएगी, -6, और उसके बाद आप इसको रेसिप्रोकल करके पॉजिटिव बनाएंगे. अब देखिए यहां पर भी -2 और 3, जब माइनस और प्लस को माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, इसीलिए जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 में क्या आएगा, माइनस लगेगा और फिर आप इसको रेसिप्रोकल करेंगे. सेम यहां पर भी बेस क्या है, सेम है, 7 इधर है 7 इधर है, बीच में मल्टीप्लाई, तो पावर क्या होंगी, प्लस, यानी -9 और -5 को ऐड करके क्या आएगा, 14 आएगा, माइनस का 14 आएगा, फिर आप इसको प्लस करके लिखेंगे. ठीक है, सेम क्वेश्चन है, मैं आपको नहीं करवाऊंगी एक भी, ये आपको कॉपी में करना है, ये आप बुक में करिए, उधर का एक हमने कॉपी में कर लिया, ये आप बुक में करिए. अब ये है सिंप्लीफाई. ठीक है, सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, सेम देखो फर्स्ट क्वेश्चन करके दिखाते हैं. इसमें से कुछ मेरे को एक दो इंपॉर्टेंट लग रहे हैं जो आप नहीं कर पाएंगे, वो वाले मैं करवाऊंगी, बाकी आप खुद करेंगे. ठीक है, सेवंथ का ए पार्ट जो है वो समझा देती हूँ. -4/5 है, मल्टीप्लाई -4/10 है माइनस की, तो बेस सेम है, पावर क्या करेंगे, बेस सेम है, पावर क्या करेंगे, और बीच में मल्टीप्लाई प्लस. ठीक है, -4 है, प्लस माइनस माइनस. ठीक है, ये याद रखने हैं, प्लस 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 होते हैं,
प्लस माइनस माइनस होते हैं, माइनस प्लस माइनस होते हैं, और माइनस माइनस प्लस होते हैं। ठीक है, साइंस बहुत काम आएंगे तो आपको ये याद रखने हैं। तो 5 प्लस का है और ये माइनस का है, यानी प्लस माइनस माइनस क्या होगा इसमें, माइनस। 10 में से 5 गए, बड़े वाले का साइन आता है और ये आएगा 5। अब आप इसको रेसिप सिंप्लीफाई करेंगे, यानी आप इसको पॉजिटिव में लिख सकते हैं, क्योंकि 5 पावर को हम सॉल्व नहीं करते, बहुत ज्यादा पावर होती है। चाहे पीछे आपको सॉल्व करके दिया हो, अगर आप सॉल्व नहीं भी करके लिखेंगे तो भी वो सिंप्लीफाई ही माना जाएगा। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन को देखो। मैंने आपको क्या बताया था, ये है 2 की पावर 5 डिवाइड में 2 पावर माइनस 6। हमने क्या जाना था कि अगर डिवाइड हो तो मल्टीप्लाई कब हो सकता है, जब पीछे वाली डिजिट रेसिप्रोकल हो जाए। ये हमने मल्टीप्लाई को चेंज करने के लिए रेसिप्रोकल किया है, तो ये माइनस का 6 अभी भी माइनस का 6 ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि हमने मल्टीप्लाई को चेंज करने के लिए रेसिप्रोकल किया है, ना कि माइनस को चेंज करने के लिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब माइनस भी लगा हुआ है। ठीक है, माइनस भी लगा हुआ है, तो फिर दोबारा से रेसिप्रोकल करेंगे। अब ये पावर क्या होगी, 6, और बीच में साइन भी क्या होगा, मल्टीप्लाई। समझ रहे हो, पहले हमने रेसिप्रोकल किया था डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाने के लिए, फिर हमने रेसिप्रोकल किया माइनस को प्लस बनाने के लिए। अब आप क्या करेंगे, बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई है, पावर क्या होगी, एड होगी। अब सॉल्व करके लिखेंगे। ठीक है, सेम आपको सी क्वेश्चन में देखना है। यहां पर आप इसके सोल्यूशन पूरे पूरे लिखेंगे, इतना ही करके नहीं छोड़ देना है। ये है, सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करेंगे, बोर्ड मास पढ़ा है ना, सबसे पहले हम क्या सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट। यानी 2 पावर 5 डिवाइड को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 पावर 5 डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल, पावर 5। सबसे पहले आप इसको सॉल्व करिए। अब सॉल्व कैसे करेंगे, आप इसको ओपन करेंगे 5 टाइम्स, इसको 8 टाइम्स, जो कट हो रहा है उसको कट करेंगे, फिर जो बच जाएगा उसकी पावर करेंगे। और यहां पर मैं सॉरी लिखना भूल गई, ये है -5। ठीक है, कैसे करेंगे, अभी आप इसको ओपन करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो भी आंसर आएगा इसमें, आंसर आएगा आपका 2 पावर 3 आएगा। सॉल्व करके बताएंगे, ऐसे ही नहीं लिख देना है। ठीक है, और इसमें माइनस लगा हुआ है पावर में, तो ये क्या हो गया, 5। ठीक है, समझ गए। अब ये देखो, इसमें भी अंदर मल्टीप्लाई है और इसमें बाहर मल्टीप्लाई है, तो जब अंदर और बाहर मल्टीप्लाई होते हैं, ऊपर 1 है, 1 मतलब ये इसकी भी पावर है। ठीक है, तो दोनों में पावर है तो क्या होगा, पावर में क्या होता है, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई होता है ना। अब एक ये बेस है और एक ये बेस है, ये सेम क्वेश्चन बन गया, ये आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ द रैशनल नंबर, इसका रेसिप्रोकल निकालना है, यानी सॉल्व करने के बाद, जब आपको डिजिट दी होती है तो सॉल्व करने के बाद आपको नेगेटिव निकालना है, एक्सप्रेस विद नेगेटिव एक्सपोनेंट्स। जैसे सब में पॉजिटिव हमें करने के लिए कहते हैं, इसमें क्या बोला है, आप नेगेटिव करिए। तो पहले हम सॉल्व करेंगे, आपकी डिजिट है ये, आप पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको रेसिप्रोकल करेंगे, और फिर जो भी पावर होगी उसको माइनस में बनाएंगे। अगर पहले से माइनस आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो आप उसको माइनस बनाएंगे, इसको पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके बाद माइनस बनाएंगे। पावर 0 है तो ये क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, डिवाइड है, मल्टीप्लाई करने के लिए पीछे वाली डिजिट क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल। ठीक है, ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे, ठीक है, और करेंगे कॉपी में। ठीक है, 9th क्वेश्चन भी सेम है इन दोनों की तरह, तो ये भी आप कॉपी में खुद से करेंगे। ठीक है, आते हैं सिंप्लीफाई पे, सिंप्लीफाई का क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन करेंगे, 6 माइनस 1 मल्टीप्लाई 8 माइनस 1 डिवाइड बाय 2 बाय 3 -2। माइनस में है इसको प्लस करिए, माइनस में है इसको प्लस करिए, ठीक है, डिवाइड में है इसको मल्टीप्लाई में करिए, यानी 3 बाय 2 पावर -2। देखो सेम वैसे ही किया है, अगर हमने मल्टीप्लाई को करने के लिए किया तो रेसिप्रोकल में क्या होगा, पावर जो है वो माइनस ही रहेगी। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, माइनस भी हटाना है तो 2 बाय 3 पावर 2। ठीक है, 1/6 मल्टीप्लाई 1/8 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2
मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई थ्री। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, नॉर्मली जो कट रहा है उसको काटेंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है, बी क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, बी क्वेश्चन में क्या है, थ्री अपॉन फोर पावर थ्री और यहां पर है पावर टू, मल्टीप्लाई वन अपॉन फोर पावर माइनस थ्री मल्टीप्लाई वन अपॉन एट मल्टीप्लाई फोर माइनस वन। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे पहले। देखो सारे सेम क्वेश्चन है, इसीलिए एक ही वीडियो में करा रही हूँ, अलग अलग क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, सेम ही क्वेश्चन है सबके सब। ठीक है, माइनस में है सॉरी, तो फोर आ जाएगा, पावर क्या आ जाएगी थ्री, मल्टीप्लाई वन अपॉन एट मल्टीप्लाई वन अपॉन फोर सॉल्व हो जाएगा। सबको आप ओपन करेंगे, इनको सिक्स बारी, इसको सिक्स बारी, इसको थ्री बारी, जो कट हो रहा है उसको कट करेंगे। ठीक है, ठीक है, टेंथ इलेवेंथ क्वेश्चन पे आते हैं। इलेवेंथ लास्ट क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज का। आपको दिया है पी अपॉन क्यू जो है इसकी वैल्यू है फाइव थ्री अपॉन माइनस टू डिवाइड बाय सेवनटीन अपॉन नाइनटीन पावर जीरो। आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड पी बाय क्यू पावर माइनस थ्री। ठीक है, अब कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले पी बाय क्यू की वैल्यू तो निकालेंगे ही, पी बाय क्यू की वैल्यू निकालेंगे, यानी सॉल्व किसको करेंगे, 5 अपॉन 3 माइनस 2 डिवाइड बाय 17 अपॉन 19 पावर 0 सॉल्व करते हैं। माइनस में है तो रेसिप्रोकल कर लो पहले, ये डिवाइड है पहले इसको सॉल्व करो, पावर 0 है तो क्या आ गया 1। ठीक है, 3 अपॉन 5 हम लिखेंगे सबसे पहले और पावर क्या रह जाएगी 2 रह जाएगी। ठीक है, इसमें फिर आपने जब डिवाइड किए, डिवाइड में क्या करेंगे, देखो पावर 0 है यहां पर तो हम क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप पे ये तो हमने पहले ही चेंज कर दिया, तो अभी इसको हम एज इट इज उतारेंगे और डिवाइड का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, रेसिप्रोकल। वन ऊपर है तो जब नीचे जाएगा तब भी वन अपॉन वन ही रह जाएगा, वन का रेसिप्रोकल क्या होता है, वन अपॉन वन ही होता है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, जब आप इस किसी भी डिजिट को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली वही डिजिट आएगी, तो ये आ गई आपकी डिजिट। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसको ऐसे छोड़ना है आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं। ये हमारी वैल्यू किसकी आई है, p बाय क्यू की वैल्यू, किसकी वैल्यू आई है, p बाय क्यू की वैल्यू, और हमें फाइंड क्या करना था। अब यहाँ लिखेंगे एटी क्यू, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा हुआ है, क्वेश्चन में आपसे पूछा है p बाय क्यू पावर माइनस थ्री, ये पूछा हुआ है। तो p बाय क्यू की वैल्यू कितनी आई है, देखो 3 अपॉन 5 पावर 2, ये p बाय क्यू की वैल्यू है, और p बाय क्यू के ऊपर क्या लगा हुआ है, माइनस थ्री, क्या लगा हुआ है, माइनस थ्री। अब आपका ये नॉर्मल क्वेश्चन बन गया, क्या बन गया, नॉर्मल क्वेश्चन बन गया। ठीक है, इसमें क्या करोगे, यहाँ माइनस है, मल्टीप्लाई कर सकते हो डायरेक्ट, थ्री टू जार सिक्स, तो थ्री अपॉन फाइव पावर क्या हो जाएगी, प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस का सिक्स हो जाएगी पावर। ठीक है, अब इसके आगे से आप खुद से सॉल्व करेंगे और इसी के साथ आपकी जो एक्सरसाइज है बेटा ये वाली 2.2 यहाँ पर फिनिश होती है। ठीक है, इस एक्सरसाइज को ढंग से प्रैक्टिस करेंगे, अगर अभी आपको ये क्वेश्चंस आ गए तो आपको आगे कभी भी इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। ठीक है, इस नेक्स्ट वीडियो में जो है हम 2.3 अपनी स्टार्ट करेंगे।